ब्रॉट टू यू बाय कोल्डरन ऑल इन वन, जो मिटाए सर्दी, सर दर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। एन बीरेन सिंह दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री बन गए हैं। 21 मार्च को राज्यपाल ला गणेशन ने उन्हें इम्फाल स्थित राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इससे पहले 20 मार्च को बीजेपी ने एन बीरेन सिंह को विधायक दल का नेता चुने जाने की जानकारी दी थी। इम्फाल में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में बीरेन सिंह के नाम पर मुहर लगाई गई थी। शपथ लेने के बाद एन बीरेन सिंह को बधाई देने वाले नेताओं की लाइन लग गई है। हाल ही में मणिपुर में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। बीती 10 मार्च को परिणाम घोषित किए गए थे। राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 32 पर जीत हासिल हुई, लेकिन नतीजे आने के कई दिनों बाद तक सीएम की घोषणा नहीं हुई। इसके चलते कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी इस बार किसी और को मुख्यमंत्री बना सकती है। हालांकि इस पद के लिए सबसे बड़े दावेदार एन बीरेन सिंह ही थे, लेकिन दो बार के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री टीएच विश्वजीत सिंह भी रेस में लगे हुए थे। शनिवार यानी 19 मार्च को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुए इस बैठक में एन बीरेन सिंह के अलावा टीएच विश्वजीत सिंह भी मौजूद थे, लेकिन रविवार की बैठक के बाद तमाम अटकलों पर विराम लग गया। एन बीरेन सिंह को दूसरी बार मणिपुर का मुख्यमंत्री बनाने के फैसले का स्वागत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, ये सभी की सर्वसम्मति से लिया गया एक अच्छा निर्णय है। ये सुनिश्चित करेगा कि मणिपुर में एक स्थिर और जिम्मेदार सरकार हो। आज के समय में पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देता है। बता दें कि बीजेपी ने मणिपुर के अगले सीएम का चुनाव करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को इम्फाल भेजा था। अब आपको बताते हैं कि एन बीरेन सिंह कौन है। 1 जनवरी 1961 को मणिपुर में जन्मे एन बीरेन सिंह राजनीति में आने से पहले पत्रकार और फुटबॉलर रहे हैं। शुरू से उनकी दिलचस्पी फुटबॉल में थी। कम ही लोग जानते हैं कि 18 साल की उम्र में बीरेन सिंह बीएसएफ की एक फुटबॉल टीम के लिए चुन लिए गए थे। बाद में उन्होंने राज्य टीम के लिए खेलना जारी रखा। खेल के साथ एन बीरेन सिंह पत्रकारिता से भी जुड़े रहे। इसके लिए उन्होंने पहले बीएसएफ से इस्तीफा दिया और स्थानीय भाषा के अखबार की शुरुआत की। बताया जाता है कि इसके लिए उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली एक जमीन भी बेचनी पड़ी थी। बाद में बीरेन सिंह राजनीति में उतरे और यहां भी सफल रहे। बीरेन सिंह ने साल 2002 में राजनीति में कदम रखा था। तब उन्होंने डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया था। उसी साल वो हिंगांग विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। साल 2007 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा था। बाद में उन्हें मणिपुर सरकार में कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन 2017 के चुनाव से कुछ महीने पहले बीरेन सिंह की तत्कालीन मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह से ठन गई। उन्होंने पूर्व सीएम का विरोध करना शुरू कर दिया और अक्टूबर 2016 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि फिर पार्टी बदलने से हिंगांग में बीरेन सिंह की जीत का सिलसिला नहीं रुका। 2017 के चुनाव में बीरेन फिर यहां से जीते और अपने सियासी सफर के सबसे मुकाम पर पहुंच गए। वैसे उस चुनाव में बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पार्टी सरकार बनाने में सफल रही थी। एन बीरेन सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया था और वे मणिपुर में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने थे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।